नौजायदा बच्चों की सेहत प्रोग्राम, अद्वियात कीमत में 17 करोड़ का कट लगा दिया गया। महकमा प्राइमरी हेल्थ का 9 अरब रुपए का तरमीमी मंसूबा, पीएनडी बोर्ड को इरसाल। तरमीम शुदा बजट में अद्वियात सप्लाई के बजट में वाजे कमी। रवां साल प्रोग्राम के लिए 2 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिना अस्पताल गौहर एजाज का अचानक दौरा। गौहर एजाज लवाहिकीन के जमीन पर बैठने से बरहम, खुद भी जमीन पर बैठ गए। इंतजामिया ने कार्डिक इमरजेंसी के वेटिंग एरिया का ताला तोड़ दिया। गौहर एजाज की अटेंडेंट्स को बैठने के लिए मुनासिब जगह फराहम करने की हिदायत। तारीख में पहली बार फैक्ट्री मुलाजमीन की रजिस्ट्रेशन का फैसला। लाहौर पुलिस ने फैक्ट्रियों से मुलाजमीन का डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पहले मरहले में 128 फैक्ट्रियों का रिकॉर्ड तलब, 83,795 मुलाजमीन रजिस्टर्ड कर लिए गए। एहतसाब अदालत में मुख्तलिफ केसेस में शरीफ खानदान की पेशियां। मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास का मजीद 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। हमजा शहबाज का 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत का 4 सितम्बर को दोबारा पेश करने का हुक्म। मियाँ शहबाज शरीफ की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर। चौधरी शुगर मिल्स केस, मरियम नवाज ने सईद सैफ, हानी अहमद जमजून और शेख जकाउद्दीन कंपनी से 1,20,00,000 मालियत के शेयर्स मौसूल किए। दौरान तफ्तीश मरियम नवाज के शेयर्स के हवाले से मुतजाद बयानात। यूसुफ अब्बास को 2013 में बैरून मुल्क से 13 करोड़ की रकम मुंतकिल की गई। हमजा शहबाज और दीगर के नाम बरतानिया से 24,30,000 डॉलर मुंतकिल करवाए गए। एहतसाब अदालत में शरीफ फैमिली के केसेस के बाद हंगामा आराई। एसपीसीटी का जजेस गेट से दाखिल होने वाले तमाम कारकुनान को गिरफ्तार करने का हुक्म। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की कारकुनान को छुड़ाने की कोशिश, अहलकार से लाठी छीन ली। लीगी रहनुमा परवेज मलिक, अली परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नजीर, मुबशर जावेद समेत लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद अदालत के बाहर मौजूद रही। डॉल्फिन पीरू नाके सेफ सिटीज कैमरे सब इलामती निकले। सीसीपीओ की दफ्तर बैच पॉलिसी, चोर डाकू आजाद घूमने लगे। गाड़ी मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में इजाफा, 6 माह में 509 गाड़ियां, 3,555 मोटरसाइकिलें चोरी। पुलिस के अदादो शुमार ने कड़ी खोल दी। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन का तमाम भारतीय चैनल्स के बायकॉट का ऐलान। गैर कानूनी नशरियात को रोकने से कसीर जर मुबादला की बहस होगी। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का स्लोगन चलाएंगे सदर मलिक फरकान की दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं हम सब पाक फौज के साथ खड़े हैं। गैर कानूनी नशरियात की रोकथाम के लिए कमेटी तश्कील देने का मुतालिबा। एपका की कश्मीरियों और पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली। हाजी जफर अली ग्रुप के सरकारी महकमों के मुलाजमीन पंजाब असेंबली के सामने पहुंचे। मुलाजमीन का कश्मीरियों और पाक फौज से इजहार यकजहती। जन्नत नजीर में भारतीय हठ धर्मी के खिलाफ नारे। हुकूमती अराकीन असेंबली के लिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की मद में 8,20,00,000,000 जारी। गवर्नर पंजाब ने हुकूमती और इतिहादी MPAs को फंड के इजरा की मंजूरी दी। लाहौर में सूबाई वुज़रा और MPAs को 47,75,00,000 रुपए के फंड दिए गए। खालिस और मियारी दूध की फराहमी के लिए फूड अथॉरिटी का मिल्क पास्चराइज मंसूबा। फूड अथॉरिटी के शहर में गवालों और कंपनियों को रजिस्टर्ड करने के लिए रबते। पहले मरहले में टाउनशिप में मौजूद गवालों और कंपनियों से रबता किया गया। दिलचस्पी रखने वाले गवालों और कंपनियों को 7 रोज में रजिस्टर्ड होने की हिदायत। हेपेटाइटिस ए और ई के फैलाव की रोकथाम के लिए अहम फैसला। वासा ने तमाम वाटर प्लांट्स की क्लोरीनेशन की जाएगी। डीजी फूड की सिफारिश पर सेक्रेटरी हाउसिंग की वासा अफसरान को हिदायत जारी। LDA शोभा कमर्शलाइजेशन की संगीन गफलत। कमर्शलाइजेशन की रिकवरी 3 साल से इतवा का शिकार। कमर्शलाइजेशन की फीसों की मद में 1,13,00,000,000 से जायद रकम दबो दी। शोभा फाइनेंस का चीफ टाउन प्लानर को फौरी रिकवरी करने के लिए खत।
मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। निश्तर के इलाके नंगड़ में कब्रिस्तान तालाब का मंजर पेश करने लगा। कब्रिस्तान में अजीज व अकारिब की कब्रों पर आने वाले शहरी परेशान। मुलजिमान को रियायत देना महंगा पड़ गया। FIA के 3 इंस्पेक्टर अपनी ही एजेंसी के शिकंजे में आ गए। हवाला हुंडी के मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई में रियायत देने पर मुकदमा दर्ज। मुलजिमान में इंस्पेक्टर सज्जाद बाजवा, सरफराज रांझा और इंस्पेक्टर वसीम अख्तर शामिल। डॉल्फिन स्क्वाड की बड़ी कार्रवाई। शादी का झांसा देकर दो पाकिस्तानी लड़कियों को चाइना ले जाने की कोशिश नाकाम। मशकूक गाड़ी से चीनी बाशिंदे समेत दो लड़कियों को तहवील में ले लिया गया। चीनी बाशिंदा मुगलपुरा से ताल्लुक रखने वाली लड़कियों को इस्लामाबाद ले जा रहा था। दोनों लड़कियां और बाशिंदा चूंग पुलिस के हवाले। नवाकोट के इलाके में हुजाम की दुकान पर डकैती की वारदात। डाकू दुकान के कैश काउंटर से नकदी और कीमती सामान लूट कर फरार। सीसीटीवी फुटेज में डाकू के चेहरे वाजे। पुलिस ताहाल मुलजिमान को गिरफ्तार ना कर सकी। बरवक्त इंसाफ की फराहमी का इकदाम, सुस्त रवि का शिकार। मातहत अदालतों में जजेस की कमी से जेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद बढ़ने लगी। बरवक्त इंसाफ की फराहमी के लिए गुज़िश्ता 6 माह में कोई मौसर इकदाम ना किए जा सके। लीगी रहनुमा राना मशहूद की कल नैब लाहौर में तलबी। साबिक सूबाई वजीर पर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में गैर कानूनी ठेके देने का इल्जाम। राना मशहूद गुज़िश्ता पेशी पर नैब हुकाम को मुतमईन नहीं कर सके। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारों को दरपेश मुश्किलात का मामला। सरमायाकार कंपनी को मुद्दत बढ़ाने की इजाज़त न देने के खिलाफ केस की समाअत। वफाकी हुकूमत से बैरूनी सरमायाकारी के मुतालिक पॉलिसी तफसीलात तलब। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क दिए, कवानीन में आसानी से मुल्क में सरमायाकारी आएगी। वजीर आला उस्मान बुज़दार की जौहर टाउन आमद। पब्लिक सर्विस कमीशन के नए इम्तिहानी मरकज का इफ्तिताह किया। वजीर आला ने CCTV कैमरों की मदद से इम्तिहानी हॉल देखे। 4 मंजिला इम्तिहानी मरकज 36 करोड़ की लागत से कायम किया गया। डेप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मिजारी की जेर सदारत असम्बली का इजलास। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर पेश की जाने वाली करारदाद मंजूर। भारत की मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत तब्दील करने की मजम्मत। अक्वामे मुत्तहिदा के नुमाइंदे मकबूजा कश्मीर भिजवाने का मुतालिबा। सूबाई वजीर खजाना की जेर सदारत स्टेयरिंग कमेटी का इजलास। किराए की इमारतों में कायम सरकारी दफातर की बतदरीज जाती इमारतों में मुंतकली पर मुशावरत। सूबाई वजीर हाशिम जवां बख्त की वजीर ब्राइट ट्रांसपोर्ट जहां से खिंची से मुलाकात। नई बसों की खरीदारी समेत दीगर मामलों पर तबादला ख्याल किया गया। IG पंजाब से ईरान की एंटी नारकोटिक्स पुलिस के वफ की मुलाकात। कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज ने ईरानी वफ को जदीद टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स के मुतालिक आगाह किया। बरतानवी और जापानी पुलिस अफसरान के वफ का सेफ सिटी अथॉरिटी का दौरा। वफ को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अकबर नासिर खान की अथॉरिटी बारे ब्रीफिंग। वफ को इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर, डिस्पैच कंट्रोल सेंटर का भी दौरा करवाया गया। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर मौसूल होने वाली शिकायत मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के लिए धरते सर बन गईं। शोभा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग और रेगुलेशन की कारकर्दगी का पोल खुल गया। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की नशिस्त खाली मगर शिकायत बेशुमार। यकम सितंबर से दरामदी सामान के कागजात की जांच पड़ताल होगी। सदर शाह आलम मार्केट ने दरामदी सामान के कागजात की जांच पड़ताल को मुजिका खेज करार दे दिया। FBR हुकाम से मुलाकात से कबल ताजर तंजीमों में इख्तलाफात। नई मीर ग्रुप का पाकिस्तान ट्रेडर्स अलायंस के साथ बैठने से इनकार। नई मीर कहते हैं पाकिस्तान ट्रेडर्स अलायंस के साथ FBR हुकाम से नहीं मिल सकते। PTA के साथ बैठने की बजाय बाइकॉट को तरजीह देंगे।
मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट की तारीख का ऐलान। UHS के जेर एहतमाम एंट्री टेस्ट 25 अगस्त को होगा। इंतजामात मुकम्मल। लाहौर में 8 और दीगर शहरों में 33 इम्तिहानी मराकज कायम। 74,497 उम्मीदवार एंट्री टेस्ट में हिस्सा लेंगे। UET सिंडिकेट का इजलास, 4 अरब 48 करोड़ का बजट मंजूर। रिसर्च प्रोग्राम्स, असाज़ा के लिए तहकीक, मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा। बजट में 26 करोड़ रुपए का खसारा जाहिर किया गया। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के इंतखाबात, आवाज ग्रुप के कॉरपोरेट और एसोसिएशन का क्लास के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा करा दिए। एसोसिएट क्लास में मियां नसीम हसन, सेठ असलम, उस्मान मकबूल राजपूत शामिल। लाहौर चैम्बर इंतखाबात के हवाले से लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट का इजलास, अमजद चौधरी कहते हैं बरसरे इक्तदार तबका ताजिरान के मसाइल हल कराने में नाकाम रहा। राजा हसन अख्तर, खुर्रम लोधी समेत दीगर कारोबारी शख्सियात की शिरकत। गवर्नर हाउस में गर्ल्स गाइड एसोसिएशन को रेस्क्यू 1122 की ट्रेनिंग। तकरीब में गवर्नर पंजाब की अहलिया परवीन सरवर की खसूसी शिरकत। रेस्क्यू एहलकारों ने तालिबात को हंगामी सूरत हाल से निमटने की ट्रेनिंग दी। उधर गवर्नर हाउस में जश्न आजादी के हवाले से तकरीब, बेगम गवर्नर की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। ताजी रहनुमा नदीम हाशमी की जानिब से शाहिद कादिर के एजाज में तकरीब। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सैयद शुजात शाह, ताजी रहनुमा फैसल महमूद समेत दीगर की शिरकत। महकमे औकाफ के जेर एहतमाम ऐवान औकाफ में हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु कॉन्फ्रेंस। खतीब, दाता दरबार, मुफ्ती रमजान सियालवी, महकमे औकाफ और मजहबी अमूर के उलमाए कराम और मुलाजमीन की शिरकत। उलमाए कराम ने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की तालीमात पर रोशनी डाली। नेशनल जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के पहले मरहले का आगाज। पहले मरहले के इफ्तिताही रोज 24 मैचेस खेले गए। अंडर 19, अंडर 15 और अंडर 13 के 8 मैचेस हुए। चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल 22 अगस्त को खेले जाएंगे। और मिसबाउल हक ने कोचिंग से मुतल्लिक गर्दिश करने वाली खबरों को अफवाहें करार दे दिया। कहते हैं कोचिंग के लिए अप्लाई ही नहीं किया, जब अप्लाई करूंगा तो क्रिकेट कमेटी से इस्तीफा दूंगा। कोच और चीफ सिलेक्टर अलग अलग होने से जिम्मेदारी कबूल नहीं करता।